सभी के सामने अभी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे माननीय एडीसी सर रामबन श्री हरबंश शर्मा सर, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। सर आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और कल से हमारा जो नागा डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम जो डिजिटल वीक सेलिब्रेशन पे हमने आयोजन किया था, तो ये कल से ही मिशन मोड पे चल रहा है डिस्ट्रिक्ट रामबन में। तो बनिहाल, गूल, रामसू सब डिविजन और सभी तहसील लेवल पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बड़े ही जोश खरोश से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसा कि ऑनलाइन सर्विसेज की बात चल रही है, तो ऑनलाइन सर्विसेज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पहले से ही चल रही हैं, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया, हमने ई सुविधा पोर्टल में नेशनल अवार्ड तक भी लिया। और हमारी काफ़ी सारी सर्विसेज जैसे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है मेरे पास, तो NGDRS में हम रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले से ही कर रहे हैं, और भी काफ़ी सर्विसेज जो है ऑनलाइन मोड पे चल रही थी। लेकिन उसके साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी वो चल रही थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं वो मोर और लेस ऑनलाइन मोड में हो चुकी थी, और कुछ डिपार्टमेंट्स की काफ़ी सारी सर्विसेज ऑनलाइन मोड में ली जा रही थी, लेकिन ऑफलाइन मोड में भी ये सर्विसेज मिल रही थी। लेकिन जो हमने जो अवेयरनेस क्रिएट की थी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, वो कहीं ना कहीं सभी ब्लॉक्स में ब्लॉक दिवस के दौरान, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर सर का एक इनिशिएटिव था कि हमने ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट करना है, तो हम प्रमोट कर रहे थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सेंट्रल ऑफिसर्स हर जगह, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स अपने अपने जहां पे भी जो कैंप्स हो रहे थे, अवेयरनेस कैंप्स हो रहे थे, वहां पे प्रमोट कर रहे थे। लेकिन अब ये सर्विसेज हम जो ऑनलाइन सर्विसेज है इसको मुहिम के तौर पे ले रहे हैं, मिशन मोड पे ले रहे हैं, डिजिटल वीक सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, कि ये जो सर्विसेज हैं अब ये डिजिटल मोड में ही मिलेंगी, ऑनलाइन मोड में ही मिलेंगी, ऑफलाइन मोड में नहीं मिलेंगी। और क्योंकि हर कोई मोबाइल ऐप से वाकिफ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, CSE सेंटर्स भी ऑपरेशनल हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर सर ने उनकी मीटिंग्स ली, उनको पूरा अप्राइज किया कि किस तरीके से आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, जो एप्लीकेशंस आप भेजेंगे ऑफिसेज में, तो उसका भी एक तरीकाकार हमने इख्तियार करना है, ताकि पब्लिक को किसी भी किस्म की, सिटीजन्स को प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए जो डिजिटल वीक चल रहा है, हमने मिशन मोड पे लिया हुआ है। डिटेल में DC साहब खुद बताएंगे, मैं इतना कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो सर्विसेज हैं वो अब ऑनलाइन मोड में ही मिलेंगी, ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। और उसके साथ ही आप सबको भी हम यही जानकारी दे रहे हैं, 6 सितंबर तक तो मिशन मोड में दी जाएगी जानकारी, और साथ में प्रोसीजर्स भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। घर बैठे बैठे, दूर दराज का इलाका है हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन, आपको पता है टेरेन कैसा है, 4-6 घंटे लग जाते हैं कई बार जो दूर दराज के पहाड़, वहां से आने में, हालांकि ऑनलाइन मोड में ही आपको प्राप्त होंगे। तो एक बार मैं फिर से सभी से गुजारिश करूंगा, हमारे जो मीडिया कर्मचारी हैं, हमारे मीडिया फ्रेटरनिटी हैं, उन्होंने भी काफी इसमें सहयोग किया, इस कवरेज को वाइड पब्लिसिटी दी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही अपील रहेगी कि वो जितनी भी सर्विसेज हैं, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने ऑफिस में ई नोटिस बोर्ड भी लगाएंगे, वहां पे डिस्प्ले में रहेंगी उनकी सर्विसेज, बाकी मोबाइल ऐप और दूसरी जो एप्स बनी हुई हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, ताकि आपको और सर्विसेज अब आपको वैसे भी लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बर्थ से लेके पूरे जीवन भर आपको कोई ना कोई सर्विस अवेल करनी करनी है। बर्थ सर्टिफिकेट जैसे DC साहब ने उसको ऐप में भी चढ़ाया है, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया में डाला हुआ है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो भी रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, सारे अपने जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो बनवा लें। उसी के साथ साथ बर्थ से स्टार्ट होके लास्ट जो भी सर्विसेज उसको करियर में लेनी है, जैसे कभी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का नोटिस निकलता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे ऑफिसेज में मैंने देखा कि सर्टिफिकेट्स की भरमार लग जाती है, लोग आते हैं एप्लीकेशन लेके कि अभी ये वाली नौकरी निकली है, इसके लिए अप्लाई करना है, मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे SC ST सर्टिफिकेट चाहिए, RTA सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम 11th आवर पे ऑफिसेज में दौड़ते हैं। लेकिन अब आपको क्योंकि सर्विसेज लेते ही रहना है, तो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपको ये जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये बनवाने हैं, लोन के लिए या कोई स्कीम
नहीं आई है किसी सेक्टर की तो उसके लिए अप्लाई करना है तो आपके पास वो अवेलेबल रहेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अदरवाइज ऐसा होता था, हम सब में ऐसे ही होता था, जब हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना होता था उसी टाइम हम सारे सर्टिफिकेट्स बनवाने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते थे कि नहीं हम तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, और तहसीलदार के पास 400-500 लोग एक ही दिन में पहुंच जाते थे लास्ट डे पे कि कल लास्ट डेट है और आज रात को सर्टिफिकेट मिले, तो उसको भी वेरिफिकेशन करनी होती थी, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तभी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आया था कि उसको भी थोड़ा टाइम मिले, 7 दिन का 10 दिन का 15 दिन, ऑफिसर्स के लिए भी सुविधा है कि वो अपना ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ये जो भी उनसे सर्टिफिकेट या सर्विसेज मांगी जा रही हैं वो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, मैं एक बार फिर से डीसी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मिशन मोड में सारी चीज़ें ली हैं ताकि हर किसी के जन जन तक ये पहुँच सकें कि इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और अब हमने उसी मोड को फॉलो करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपनी ओर से और रामबन की जनता की ओर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और स्पेशली डीसी सर का शुक्रिया करना चाहूंगी कि 3 दिवसीय डिजिटल मेला जो है उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से आए हुए हमारे बच्चे और जो भी नागरिक हैं उन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारी ई सुविधाओं के ऊपर है वो ली। तो एक बार फिर से हम सभी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया।